हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस टैडी का अगला पार्ट बनाएंगे। पहले हमने फेस बनाया था, आज इसके पैर बनाएंगे। इसके लिए हम पहले चेन बनाएंगे। इसके लिए हमने 10 चेन बना ली हैं। दो चेन हम स्किप करेंगे, थर्ड चेन में डालेंगे और वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, ये हमने एक ही चेन में बनाए हैं। अब अगली चेन में बनाएंगे हम, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे करके हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिक्स डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं और जो लास्ट वाली चेन है उसमें हम एक ही चेन में 6 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वहाँ हमने एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। इस धागे को अच्छे से खींच देंगे और इसको पीछे की तरफ बंद कर दें, नहीं तो ये बार बार ढीला होता जाएगा। इसको आराम से ऐसे बंद कर दें, ज़्यादा खींचे भी मत। 6 डबल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे जैसे हमने इस साइड 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस साइड भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। ऐसे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। पहले हमने उस चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इसी चेन में जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया और एक चेन हो जाएगी। उस साइड हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं, दोनों तरफ हमारे पास 6-6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और इस रो को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे ऐसे बनाते हुए और इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे इस चेन में। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकंड रो हमारी स्टार्ट होगी। दो चेन हमने बना ली है और यहीं पे हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, अब ये सिंपल रो चलेगी ऐसे ही।
जैसे जो हमने 6 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल डाले थे, अब उनके ऊपर ऐसे ही बनाने हैं। अब हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इनके ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में हम दो दो करते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस रो को हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे जैसे हमने उस साइड बनाई थी। यहाँ भी हमने जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो उनके ऊपर हम बनाएंगे, यहाँ पे 4 बनेंगे, 6 हमने बना लिए हैं, 4 इस साइड बनेंगे। हमारे पास टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस साइड भी और उस साइड भी। फिर से हम चेन बनाएंगे, 2 चेन हमने बना ली है। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे इसको। इसके बाद हमें जो ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बने हुए हैं इनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हम जहाँ हमने चेन बनाई थी वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेंजेस हमें सिर्फ वो जो हमने शुरू में 6 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे उनके ऊपर ही करने हैं, बाकी ये ऐसे ही बनेगा। डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे हम। इस साइड पे हम ऐसे ही बनाएंगे, जहाँ हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, जो सिंगल है और एक सिंगल बनाएंगे और 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं एक साथ, इनके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहीं से हमारी स्टार्टिंग होगी चेंजेस की। अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, ऐसे करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे।
इस रो को हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम अगला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, पहले उसको बनाएंगे फिर यहाँ पे लगाएंगे सुई की मदद से। इसके लिए मैंने ये गाजरी कलर की ऊन ली है। पहले हमने 10 चेन बनाई थी, 2 चेन को स्किप करके फिर हमने 3rd चेन में डाला था। अब की बार हम 2 चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, 12 चेन बनाएंगे। पहले हम 10 चेन बनाएंगे, 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे। टेन चेन हमने बना ली हैं, 2 एक्स्ट्रा बनाई हैं और 3rd चेन में हम इसको डाल लेंगे। प्रोसेस इसका सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने इसके फुट बनाए हैं। यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बस हमने इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई है, बाकी प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले बनाया है। लास्ट वाली चेन में वैसे ही डालेंगे हम, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। ये हम ऐसे बनाएंगे, इस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने ये बटन लगाए हैं नोज़ पे भी और आइज़ पे भी। अब हम दूसरे कलर की ऊन लेंगे, जो भी आपके स्वेटर का कलर है। इसके लिए हम पहले 5 चेन बनाएंगे, 1 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे।
हम फेस को सिंगल क्रोशिए से बनाएंगे, इसकी हम चार रो बनाएंगे, फोर रो बनाएंगे इसकी हम। और इसको सुई के साथ यहाँ पे लगा देंगे। दूसरे कलर का धागा लें तो ये और अच्छा लगेगा। ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। इसको हम बंद कर लेंगे। इसको बनाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम इसको। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे इसको सील लेंगे। आप ब्लैक कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं इसको सीलने के लिए। मेरे पास ये होल वाले बटन हैं, आप प्लेन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला पार्ट जब बनाएंगे। अब हम इन सब चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम हर एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन को दो दो डबल क्रोशिया, ऐसे हमें दो पार्ट बनाने हैं। हम दोनों पार्ट तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हमारा ये सारा टेडी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये मैंने लगा दिया इसके पार्ट्स। ये बटन आप बिना होल का ले, इसमें होल है, थोड़ा बड़ा ले। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।